सन्यासी मठ में महंत विद्यानंद द्वारा भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के बाद स्नान कराया गया। पारडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद, जोरदा शिव मंदिर के महंत केशव नंद सरस्वती द्वारा चांडिल स्थित सन्यासी मठ में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना की गई, साथ ही स्नान कराया गया। 25 जून को होने वाले रथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त यहां जुटते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस फायरिंग के में मारे गए 5 किसानों के परिजनों को न्याय एवं उचित मुआवजा की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश में जो मंदसौर में किसानों को जो हत्या की गई है, उसका विरोध में आज पूरा हम लोग देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे भारतवर्ष में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें हम लोग 5 मांग करते हैं कि जो भी किसानों को गोली से हत्या की गई है, जो भी आदेश दिया उनका ऊपर भी FIR 2। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन में रिक्त पड़े 11 पदों के लिए चुनाव 16 जून को होना है। इसके लिए शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर के रिक्त पड़े 11 पदों के लिए उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन पदों के लिए 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। चुनाव पदाधिकारी SK सिंह ने बताया कि स्क्रूटनी चल रही है और जो भी नॉमिनेशन आया है उसका स्क्रूटनी करने के बाद ये जो फाइनल नॉमिनेशन है आज जारी किया गया। इसमें 43 कैंडिडेट्स है। इनका जितना भी प्रपोजल सेकेंडर है सब सही पाया गया है और इसके हिसाब से हम लोग आज अकॉर्डिंग टू जो डेट है 5:30 बजे इसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं। युवा जागरण सेवा समिति द्वारा बहुत जल्द गरीबों को भोजन कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। समिति के अध्यक्ष युग कुमार ने कहा कि कम से कम 200 गरीबों को प्रतिदिन भोजन कराने का उनका लक्ष्य है। आज विशेष ये है कि आज युवा जागरण सेवा समिति के तमाम सदस्य आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि सप्ताह में तकरीबन चार दिन हम लोग गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम करें। हमारा समिति का ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि हमारे तरफ से जितना भी हो सके, जितना भी सहयोग राशि है, जो भी हम लोग के कमेटी के सदस्य जो भी हम लोग को सहयोग करते हैं, जितना भी हम लोग से हो पाएगा जरूरतमंदों को हम लोग खाना खिलाने का काम करेंगे। मद्रासी सम्मेलनी के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूजा पाठ एवं आर्थिक आयोजन किया गया। सम्मेलनी के अध्यक्ष शंकरन ने बताया कि 80 लाख की लागत से सम्मेलनी का रेनोवेशन कराया जाएगा। टूला डूंगरी स्थित कबीर भवन में कबीर जयंती का आयोजन किया गया, जो 11 जून तक चलेगी। इस दौरान भजन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए।